नमस्कार, मैं हूं प्रियांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं आई इंडिया। अब बात भारतीय जनता पार्टी द्वारा देर से ही सही पर छत्तीसगढ़ में नए मुख्यमंत्री के चेहरे के ऐलान की। भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर दिया है। विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के अगले मुख्यमंत्री होंगे। यह फैसला छत्तीसगढ़ विधायक दल की बैठक में लिया गया। सीएम के नाम की घोषणा में हो रही देरी से पहले ही अनुमान लगाया जा रहा था कि भाजपा इस बार मुख्यमंत्री के रूप में किसी नए चेहरे को सामने लाएगी। 59 साल के विष्णुदेव साय पूर्व सीएम अजीत जोगी के बाद छत्तीसगढ़ के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री होंगे। चुनाव के नतीजे आने के 7 दिन बाद यह फैसला आया है। फिलहाल सीएम बनने के बाद विष्णुदेव साय भाजपा दफ्तर से राजभवन भी पहुंचे और राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन से मुलाकात भी की। सीएम बनने के बाद विष्णुदेव साय ने अपने पहले बयान में कहा कि जनता से किए गए सभी वादे पूरे किए गए। यहां यह बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य में चर्चा चल रही थी कि यदि भाजपा अपने मुख्यमंत्री के रूप में आदिवासी चेहरा चुनती है तो समुदाय में भाजपा का पॉजिटिव संदेश जाएगा। विष्णुदेव साय पूर्व केंद्रीय मंत्री और छत्तीसगढ़ के 2018 से 2022 तक भाजपा अध्यक्ष रहे। उन्होंने उत्तर छत्तीसगढ़ से कुंकुरी से चुनाव जीता था। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री के ऐलान के बाद पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने सोशल मीडिया के एक्स पर बधाई दी। रमन सिंह ने लिखा कि कुंकुरी विधायक व आदिवासी नेता को आज विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से मुख्यमंत्री के रूप में छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा का दायित्व प्राप्त होने पर अशेष शुभकामनाएं। उन्होंने आगे लिखा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके नेतृत्व में हम सभी पूर्ण निष्ठा के साथ भाजपा के संकल्प पत्र मोदी की गारंटी के वादों को पूरा करते हुए प्रदेश में प्रगतिशील परिवर्तन लाने में सफल होंगे तथा भाजपा के डबल इंजन की सरकार में छत्तीसगढ़ दोगुनी रफ्तार से विकास के नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने भी एक्स पर लिखा कि कुंकुरी विधायक वरिष्ठ भाजपा नेता विष्णुदेव साय जी को भाजपा विधायक दल का नेता चुने जाने पर बधाई एवं शुभकामनाएं। नए छत्तीसगढ़ की न्याय और प्रगति यात्रा को आप मुख्यमंत्री के रूप में आगे बढ़ाएं, ऐसी कामना करता हूं। बताते चलें कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री की रेस में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, महिला चेहरा रेणुका सिंह, ओपी चौधरी, विजय बघेल, ब्रजमोहन अग्रवाल, लता उसेंडी और आदिवासी चेहरा विष्णुदेव साय का नाम शामिल था। तमाम चर्चाओं के बाद विष्णुदेव साय को सीएम घोषित किया गया। पार्टी सूत्रों के मुताबिक यूपी की तरह छत्तीसगढ़ में भी सीएम के अलावा 2 डिप्टी सीएम के पद हो सकते हैं। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।